ये चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 साल को निर्धारित करने वाले हैं। स्टेबिलिटी और पीस का जो प्रोसेस इन 5 सालों में शुरू हुआ है उसको अब हमें परमानेंट बनाना है। इसलिए मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बननी बहुत आवश्यक है। दोस्तों, इस वीडियो को हम सब, आप सब लोग या बीजेपी के लोग राजनीति से प्रेरित बता सकते हैं। इस वीडियो के जारी करने के पीछे राजनीतिक मंशा पर भी शक जाहिर कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि इस बात में या इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है वो है तो सच। देश में ज़्यादातर लोग अब प्रधानमंत्री को उनकी पुरानी बातें याद दिलाने लगे हैं और मणिपुर का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक जवान प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि आप मन की बात तो करते हैं, हमारी बात क्यों नहीं सुनते। प्रधानमंत्री के पास अमेरिका जाने का वक्त है। अमेरिका दौरे को लेकर ज़बरदस्त तैयारी की जा रही है, ज़बरदस्त प्रोपोगंडा किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास अपने जलते राज्य, अपने ही देश के एक अभिन्न अंग मणिपुर से बात करने का समय नहीं है। मणिपुर जाना तो दूर की बात, मणिपुर के लोगों से या मणिपुर के नेताओं से बात करने का वक्त नहीं है। मणिपुर के नेताओं से या लोगों से बात करना तो दूर, मणिपुर पे दो शब्द बोलने का भी वक्त नहीं है। जब ये सब होगा तो जाहिर सी बात है, लोग सवाल तो पूछेंगे ही, तभी तो मैं कहता हूँ कि बात तो होगी। जब अपने ही देश के नागरिकों को दरकिनार कर दिया जाएगा, जब अपने ही देश के लोगों को अनदेखा किया जाएगा, तो बात तो होगी। जब आप अपने वादों से मुकरोगे, आपकी बातें रोजाना झूठ साबित होगी, तो बात तो होगी। जब आप अपने घमंड में या अपने सत्ता के मद में इतने चूर होंगे कि जनता को प्रजा से ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे, तो बात तो होगी। और यही बातें अब प्रधानमंत्री को और बीजेपी को अगले एक साल तक जवाब देते रहना पड़ेगा। ये सिर्फ एक मणिपुर है जो अभी जल रहा है। 1.5 महीना हो गए, 50 दिन के आसपास हो गए मणिपुर को जलते हुए, लेकिन मजाल है कि किसी सरकारी एजेंसी ने, एक सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया हो। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए हमारे गृह मंत्री ने एक दौरा किया वहाँ पर और उसके बावजूद वहाँ से आगे बड़े बड़े दावे किए, लेकिन मणिपुर की हिंसा जस की तस कायम है, बल्कि और बढ़ रही है दिनों दिन। तकरीबन 125 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस छोटे से राज्य में, लेकिन सरकार है कि शांत बैठी है। ये पहला देश ऐसा है जहां पर पूर्व सेनाध्यक्ष अब इस बात पर चिंता जताने लगे हैं कि कहीं यहां पर गृह युद्ध जैसी स्थिति ना हो। सरकार को चेता रहे हैं, लेकिन सरकार शांत बैठी है। ये देश का ऐसा राज्य है जहाँ से के केंद्रीय मंत्री देश को दिया और उस केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया जाता है, और वो केंद्रीय मंत्री खुद कह रहा है कि मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर हाथ से बाहर निकल चुका है, उसके बावजूद सरकार शांत है। ये ऐसा देश है भारत जहाँ राज्य में उसी पार्टी की सरकार है जिसकी सरकार केंद्र में है, डबल इंजन की सरकार का दावा किया गया था और उसी नारे को लेकर दोबारा सत्ता में बैठी थी बीजेपी। लेकिन उस देश में, उस राज्य में क्या हो रहा है, उस देश की सत्ता में बैठी पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बड़ी हैरानी की बात है कि टोल मंत्रालय की सर्वे सर्वा स्मृति ईरानी को अमेरिका से प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मिल रही शुभकामनाएं तो मिलती हैं, वो तो सुनाई देती हैं, उसके बारे में ट्वीट भी करती हैं, लेकिन मणिपुर से इन जैसी बच्चियों की ये अपील सुनाई नहीं देती। ये अपील स्मृति ईरानी के कान से पहुंचती भी हैं तो एक कान से शायद सुनती हैं, दूसरे कान से निकाल देती हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मोदी थाली रेस्टोरेंट ने शुरू की है, ये तस्वीरें आपको दिखाई देती हैं, लेकिन मणिपुर के सड़कों पे लोग शांति के लिए किस तरह से अपील कर रहे हैं, दुआएँ कर रहे हैं, ये आपको नहीं दिखाई देती। आपको करोड़ों लोग रेडियो पर आपके मन की बात सुनते नजर आते हैं, लेकिन आपके मन की बात के किस तरह से चीथड़े मणिपुर की सड़कों पर उड़ाए जा रहे हैं, ये आपको नहीं दिखता है। आपको दिखता है कि विदेशों में भारत विश्व गुरु बन रहा है, प्रधानमंत्री विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन उन्हीं विदेशी धरतियों पर मणिपुर के लोग शांति की अपील कर रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि कुछ कीजिए,
वो आपको नहीं सुनाई देती। Cleansing happened on May the 3rd in Imphal Valley, and so far the Chief Minister Biren hasn't said anything, not even one word in support, or even to say anything that he's aware of the sufferings of the tribals. Not only the Chief Minister of Manipur, even Narendra Modi, the Prime Minister of India, does not even look like he knows what's happening. We don't know who he is listening to. He is going all over the country. He's going and traveling all over the world while his people are suffering in Manipur. After the ethnic cleansing of the tribals of the Kuki in Imphal happened on May 3rd. सरकार को तो नहीं सुनाई दे रही, लेकिन सरकार के सर्वे सर्वा संगठन संघ ने एक अपील जरूर जो है जारी की है। संघ ने मणिपुर के लोगों से शांति की अपील की है, लेकिन संघ की इस अपील के पीछे क्या भावना है या क्या सोच है, अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या संघ ने इसलिए मणिपुर के लोगों से शांति की अपील की है क्योंकि संघ नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर को हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और वो प्रयोगशाला का जो प्रयोग है वो असफल हो गया, इसलिए अब मणिपुर में ये हालात हो गए हैं और संघ शांति की अपील कर रहा है। आपको मालूम है कि गुजरात की प्रयोगशाला या मध्य प्रदेश की प्रयोगशाला हिंदुत्व के लिए कामयाब रही है, हिंदुत्व को काफ़ी हद तक जो है आरएसएस के एजेंडे को कामयाब करने में कामयाब रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए थे तो कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के साथ हमेशा से भेदभाव होता रहा है और हमारी सरकार नॉर्थ ईस्ट को उसका पूरा हक देगी। अब नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने इन वादों पे अपने पैर जमाए थे, लेकिन वो पैर दूसरों के सहारे थे, दूसरों की जो है वो कंधे पर रख के चढ़े थे या दूसरों की बैसाखियों के सहारे सत्ता पे थे, लेकिन मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बीजेपी अपने दम पे सत्ता पे है और वहाँ पर हिंदुत्व की फैक्ट्री या हिंदुत्व की प्रयोगशाला चलाए जाने की कोशिश की जा रही थी। ये कोशिश नाकाम हो गई, इस कोशिश ने चिंगारी का काम किया और चिंगारी ने इतना बड़ा विस्फोट कर दिया। अब ये संघ की प्रयोगशाला की कोशिश क्या थी, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इन मणिपुर के दंगों की बैकग्राउंड में और वहाँ के आंकड़ों पर जाना पड़ेगा। दरअसल जब 3 मई को मणिपुर के दंगों की शुरुआत हुई तो मुद्दा सिर्फ इतना था कि जो वहाँ पर मैतई समुदाय है उसको बीजेपी की सरकार ने एसटी का कोटा देने की बात कही थी, एसटी रिजर्वेशन देने की बात कही थी, जिसके खिलाफ वहाँ के दो और समुदाय, कुकी समुदाय और नगर समुदाय और कुछ और छोटे छोटे समुदाय, उन्होंने इसका विरोध किया था। अब विरोध के बीच में हिंसक झड़पें हुई और वहाँ से ये आग ऐसी लगी, ऐसी चिंगारी भड़की कि आज पूरा मणिपुर इसमें चल रहा है। अब इसके पीछे हिंदुत्व के प्रयोगशाला की कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। मणिपुर की तकरीबन 32 लाख के आसपास की आबादी मानी जा रही है, उस आबादी में 53% जो आबादी है वो मैतई समुदाय की है, 53% मैतई समुदाय है और बाकी 47% कुकी, नागा और अन्य समुदाय हैं। अब कुकी, नागा और जो बाकी समुदाय है वो पहले से एसटी में आते हैं, एसटी की रिजर्वेशन उनको मिलती है, लेकिन मैतई समुदाय को 1950 से नहीं मिल रही थी। बीजेपी सरकार मैतई समुदाय को एसटी का रिजर्वेशन देना चाहती थी, वो क्यों देना चाहती, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जो कुकी और नगा समुदाय हैं वो तकरीबन सभी ईसाई समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जो मैतई समुदाय है, मैतई समुदाय में तकरीबन 90% लोग हिंदू समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। हिंदू समुदाय से ताल्लुक़ रखने के बावजूद मैतई समुदाय का जो दबदबा है वो मणिपुर में रहा है, वो ऐसे रहा है कि 53% आबादी है, लेकिन पूरा जो मणिपुर का भूगोल है, उसकी जो ज़मीन है, उस पर सिर्फ 10% का हिस्सा मैतई समुदाय के पास आता है और जो इम्फाल रीजन का एरिया है वहाँ पर ये समुदाय रहता है और बाकी 90% एरिया में ये जो कुकी और नागा समुदाय या जो दूसरे ट्राइबल समुदाय वो रहते हैं। और इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जो 60 विधानसभा सीटें हैं, 60 विधायक हैं, उसमें से तकरीबन 40 विधायक अकेले मैती समुदाय से आते हैं, 40 विधायक मैती समुदाय से आते हैं और बाकी 20 जो है वो दूसरे से, कुकी और नगा और दूसरे उससे आते हैं। अब कुकी और नगा समुदाय का यही कहना है कि इनका सरकार में बहुत बड़ा दखल है, मैती समुदाय का सरकारी नौकरियों में इनका कब्जा है,
अब अगर इनको एसटी रिजर्वेशन भी दे दिया जाएगा तो कुकी और नगा समुदाय और दूसरे जो बाकी बचे छोटे समुदाय हैं उनके हक मार दिए जाएंगे। ये तो रही एक बात। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि बीजेपी के वहाँ पर 32 एमएलए हैं, इस वक्त 32 विधायक हैं मणिपुर में, और 7 उनके सहयोगी एनपीपी के हैं, लेकिन 32 में से बीजेपी के 27 एमएलए मैतई समुदाय से आते हैं, हिंदू समुदाय के मैतई समुदाय से आते हैं। जी हाँ, 27 एमएलए 32 में से बीजेपी के हिंदू मैतई समुदाय से आते हैं। आलम यह है कि मैतई समुदाय में तकरीबन 2.5 लाख मुस्लिम जो है मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, उन लोगों ने डर के मारे अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया है कि हम मुस्लिम समुदाय के हैं, ताकि कुकी और नगा समुदाय के लोग उन्हें निशाना ना बनाए। ये हालत हो गई है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि दूसरा पॉइंट ये है कि जो सरकार कि जो सरकार के कंट्रोल की जो भूमि होती है, जिसको हम वो कहते हैं ना सरकार की सुरक्षित भूमि जिसको कहते हैं, वो जो सुरक्षित भूमि है ना, वो सारी की सारी नगा और कुकी समुदाय उस पर जो है अपना जो भी करते हैं, पशुपालन करते हैं या जो भी करते हैं, वो कुकी और नगा समुदाय के पास ज़्यादा ज़मीन है, क्योंकि 90% एरिया में उनका कब्ज़ा है या वो रहते हैं। सरकार अब सर्वेक्षण के ज़रिए वो सुरक्षित भूमि वापस लेना चाह रही है। इसको लेके भी बहुत बड़ी ज़बरदस्त कुकी समुदाय और नगा समुदाय में विरोध है, क्योंकि उनको लगता है कि क्योंकि वो आदिवासी है, उनका सारे का सारा दारोमदार ज़िंदगी जीने का इन जंगलों पर निर्भर करता है। इन जंगलों से उन्हें जंगली फल फ्रूट मिलते हैं, इनके पशु चारे का काम करते हैं या कुछ भी उगाते हैं, ये थोड़ा बहुत इस सरकारी ज़मीन पर जो सुरक्षित भूमि है उसी के सहारे इनका जीवन यापन होता है। क्योंकि नौकरी पेशे की अगर बात करेंगे तो उसमें ज़्यादातर आपको मैतई समुदाय के लोग मिलेंगे, क्योंकि वो शहरी इलाकों में रहते हैं। अब अगर इनसे ज़मीन भी छीन ली जाएगी तो फिर ना इनके पास ज़मीन बचेगी, ना इनके पास आरक्षण बचेगा, ना ही इनके पास कोई प्रेजेंटेशन है। 60 में से 20 सिर्फ इनके पास विधायक हैं, 40 विधायक मैतई के हैं, तो इन दोनों समुदायों को ऐसा लग रहा है कि इन्हें तकरीबन इस राज्य में दरकिनार कर दिया जाएगा और पूरे राज्य पे मैतई समुदाय का ही कब्जा होगा, और मैतई समुदाय में भी हिंदू समुदाय का ज़्यादा कब्जा होगा। और इन्हें ये लग रहा है कि इनके धर्म को भी निशाना बनाया जा रहा है और इनकी ट्राइब्स को भी निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मणिपुर में एक हिंदुत्व की प्रयोगशाला नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरी इस्टेब्लिश हो जाए। एक बार मणिपुर में अगर हिंदुत्व का दबदबा हो जाता है तो उसके बाद साथ लगते मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, असम, इन सब में बीजेपी अपने हिंदुत्व का संघ जो है अपने हिंदुत्व की प्रयोगशाला का असर फैला सकती है। इस वजह से मणिपुर में आग लगी और मणिपुर की आग आज किस हालत में पहुँच गई है ये हम सब देख रहे हैं। अब आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो क्यों बीजेपी किसी और नेता को जिम्मेदारी नहीं दे रही, क्यों हेमंत बिस्व शर्मा को ही मणिपुर के मामले को निपटाने की जिम्मेदारी दे रही, क्योंकि वो आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट में हिंदुत्व की प्रयोगशाला को चलाने वाले सबसे बड़े संचालक हैं। मिजोरम में हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वहाँ पर लोगों के अंदर द्वेष है, कि रोष है कि हेमंत बिस्व शर्मा को क्यों यहाँ भेजा जा रहा है। वो तो समझते भी नहीं यहाँ की बात, क्योंकि असम में और मणिपुर में दिन रात का फ़र्क है, लेकिन क्योंकि वो सर्वे सर्वा है, वो नॉर्थ ईस्ट में हिंदुत्व की फैक्ट्री के सबसे बड़े संचालक है, इसलिए बीजेपी उन्हीं की बार बार जिम्मेदारी लगा रही कि मणिपुर के मामले को वो सुलझाए। अगर उनमें कैपेबिलिटी होती तो अब तक मामला सुलझ गया होता, इतनी बड़ी बात नहीं फैलती। लेकिन सरकार के लिए दुख की बात यह है कि अब मणिपुर में हालात ऐसे हो गए हैं कि चाहे वो मैतई हैं, चाहे वो नगा हैं, चाहे वो कुकी हैं, ये तीनों ही समुदाय के लोग जो इस हिंसा में शिकार हुए हैं, जो इस हिंसा को बंद करना चाहते हैं, तीनों अब सिर्फ और सिर्फ इतनी अपील कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुन ले, इस हिंसा को बंद कराएं। अब वहाँ पर क्योंकि लोग ही अब सड़कों पे उतरने लगे हैं, लोग अब जिस तरह मैंने दिखाया प्रेयर करने लगे हैं, और लोग ही अब जो है वो सरकार के खिलाफ होने लगे हैं, तो अब ऐसे में तय है कि बीजेपी की सरकार इस अगर मणिपुर में शांति होती है उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार को वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर रही भी तो कम से कम जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उनका कुर्सी पर टिके रहना नामुमकिन हो जाएगा। अब इधर सब मामले में कांग्रेस कई दिनों से केंद्र सरकार से डिमांड कर रही कि सरकार को
सभी राजनीतिक दलों से बैठकर मणिपुर के मामले पर बात करनी चाहिए। मणिपुर की सभी राजनीतिक पार्टियों को बातचीत में शामिल करना चाहिए, लेकिन सरकार कांग्रेस की इसकी डिमांड को अनसुना कर रही है। अब कांग्रेस ने अपने दम पर अब सभी राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा करना शुरू किया है। आपको मालूम है कि जैसे मैंने बताया 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में 32 बीजेपी के हैं, 7 एनपीपी के हैं, 5 कांग्रेस के हैं, जेडीयू के 6 हैं और अन्य 10 हैं। तो अन्य 10 जेडीयू, 6 और 5 कांग्रेस, ये तो हैं। एक साथ एनपीपी को भी साथ लाने की कांग्रेस ने कोशिश की और बीरेन सिंह के खिलाफ उनके खुद की पार्टी के जो गैर मेतई समुदाय के विधायक हैं 5, वो भी उनके खिलाफ हैं। तो वो सब लोगों को अब कांग्रेस एक छत्र के नीचे लाना चाह रही है और कोशिश कर रही है कि किसी तरह से मणिपुर की स्थितियों को सुधारा जाए। डिमांड ये भी की जा रही कि मणिपुर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन बात फिर वहीं आके अटक जाती है कि जब प्रधानमंत्री को विदेश दौरा ज़्यादा महत्वपूर्ण है मणिपुर की बजाय, सरकार के लिए कर्नाटक के चुनाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मणिपुर की बजाय, सरकार के लिए जो है वो कांग्रेस क्या कर रही है इस पर टिप्पणी करना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्पत मणिपुर की बजाय। सरकार के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि देश में कहाँ कहाँ लव जिहाद हो रहा है उस पर ध्यान करना है, ना कि मणिपुर पर। तो फिर ऐसे में विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर अपने दम पे क्या कर पाएंगी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो सुरक्षा बल है, जो सारा तंत्र है, वो तो सरकार के हाथ में। जब तक सरकार का सहयोग नहीं होगा, विपक्षी दल चाहे जितना मर्जी एक साथ हो जाए, कांग्रेस जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वहाँ शांति बहाली नहीं हो सकती। लेकिन कांग्रेस भी इस एक विपक्षी एकजुटता के तहत पूरे नॉर्थ ईस्ट को संदेश देने की कोशिश करेगी कि देखिए, जब से बीजेपी के सहारे आप लोग हैं 9 साल से, जब बीजेपी के साथ गए तब से लेके रोज़ाना नॉर्थ ईस्ट में अशांति बनी हुई है, अभी मणिपुर में बनी हुई है, कभी असम और मिज़ोरम के बीच में जो है गोलीबारी हो जाती है, कभी असम मेघालय के बीच में गोलीबारी हो जाती है, कभी अरुणाचल में कुछ दिक्कत हो जाती है, कभी नागालैंड में दिक्कत हो रही है। तो आए दिन नॉर्थ ईस्ट में ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए कांग्रेस को लगता है कि अभी अपॉर्चुनिटी है कि नॉर्थ ईस्ट में अपनी जड़ों को वापस पाया जा सके, अपनी जड़ों को फिर से मजबूत किया जा सके। तो ये मणिपुर को लेकर फिलहाल स्थिति बनी हुई है। तो लेकिन एक अब जाते जाते एक चीज़ और आपसे मैं कहना चाहूँगा, आपको मालूम है कि आज राहुल गांधी का जन्मदिन है आज के दिन। तो मैं एक जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि अगला जो जन्मदिन है राहुल गांधी का, ये वाला नहीं कह रहा, जो 2024 में जो जन्मदिन आएगा, इस एक साल में राजनीतिक रूप से राहुल गांधी के लिए क्या तब्दीलियां आने वाली हैं, आप क्या सोचते हैं इस एक साल में राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर क्या पालेंगे, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।